हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय अनदर पार्ट मेकअप वीडियो। तो सबसे पहले मैंने उनके स्किन को प्रिपरेशन करने के लिए एक हाइड्रेटेड मॉइस्चराइजर यूज़ किया है, जो है डॉट इन केकअप। सो दिस इज़ माय वन ऑफ द पार्टी लुक, आप तो पहले बहुत देख चुके हैं। तो इस वेडिंग सीजन में ये मेरा कौन सा वाला मेकअप लुक है आई डोंट नो, बट बहुत सुंदर लग रही है आफ्टर मेकअप। सो मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद हाइड्रेटेड मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद मैं इल्यूमिनेटिंग प्राइमर ELF का यूज़ कर रही हूँ। इससे थोड़ा इनके स्किन पे ग्लो मिल जाता है। तो आप देख लीजिए कि मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वहाँ पर भी मैंने सेम प्रोडक्ट का यूज़ किया है। एक ही प्रोडक्ट देख के मैंने एक सीरीज़ वाला वीडियो बनाया है। यहाँ पर मतलब कुछ 10 to 12 पार्ट मेकअप्स रहेंगे, तो डिफरेंट स्किन्स पे डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। कैसे क्या देते हैं वो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद मैं PSC का स्पॉटलाइट जो फाउंडेशन है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसका शेड है साउदर्न ब्यूटी। तो ये है चायोनिका। तो इसका डिमांड था कि इसको बहुत ही सॉफ्ट वाला लुक चाहिए था, तो फिर से वो फोरहेड पे मैंने फाउंडेशन लगा ली थी। उसके बाद मुझे लगा कि इनके स्किन पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे देखिएगा कुछ मेहंदी लगा है। इन्होंने बोला था कि मैं मेहंदी लगा के वही सो गई गालों पे हाथ डाल के, तो मेरे मेहंदी का स्पॉट आ गया है, तो उनको आपको हटाना है। तो सबसे पहले मैंने मेहंदी को जो दाग थे वहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है, और जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि इनके स्पॉट्स के प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर लगा ली है। तो आप देखो इनके स्किन पे छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉटिंग के प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे नहीं मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे। तो इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये एक ऑरेंज करेक्टर देके उसके बाद एक सेम कलर का कंसीलर यूज़ करके न्यूट्रलाइज कर लिया है। ऑरेंज करेक्टर के बाद आपको एक नॉर्मल वाला जो है वो नॉर्मल वाला जो उनकी शेड का जो कंसीलर है वो भी लगाना पड़ता है, ताकि ये ऑरेंजिश फेस ना हो जाए। उसके बाद मैंने इनके फेस पे फाउंडेशन डाली है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग करनी है वहाँ वहाँ पे मैंने कंसीलर डाली है, और कंसीलर मैंने यूज़ किया है ELF का। नॉर्मली मैं यही यूज़ करती हूँ इस साल मेरी तो ये वाला जो कंसीलर है वो मेरी फेवरेट बन गई है। इतना अच्छा ब्लेंडिंग है, इतना अच्छा कलर है, और इतना ज़्यादा स्मूथली ये बैठ जाता है स्किन पे, तो जस्ट वो। तो मैंने ये कंसीलर डाल के पूरे फेस पे ब्लेंडिंग भी कर ली है। तो अब देखिए, उसके बाद मैंने ये कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ किया है एस्टेल ऑर्डर का, फुल फेस को जो गीलापन है उसको रोकने के लिए, या फिर थोड़ा सा मैट फिनिश लाने के लिए मैं ये वाला जो कॉम्पैक्ट है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि इनके कॉन्टूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सबसे पहले इनकी स्किन पे थोड़ा सा ब्लशिंग की है, और ये फुल फेस पे पाउडर मैंने बहुत अच्छी तरह से डाल दी है। तो देखिए ये इसका स्किन पे ऑलरेडी बेस मेकअप जो है वो बैठ चुकी है। और चर्मिस का जो पीच कलर का ब्लश है वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि इनके साड़ी के हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये वाला ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो ब्लश मैंने सबसे पहले ज़्यादा लगा दी थी, क्योंकि आप तो जानती है कि ब्लश थोड़ी देर बाद डिफ्यूज़ हो जाता है या फिर झड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम मैं ज़्यादा लगा देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए मेरा ब्लशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है थोड़ा थोड़ा करके। देन इसके बाद मैं आई शेडो पर जाती हूँ। इसको आई शेडो न्यूट शेड का चाहिए था, और बहुत ही हल्का चाहिए था लेकिन गॉर्जियस। तो मैं सबसे पहले मैंने ब्राउन शेड देके उनके जो क्रीज लाइन है वहाँ पे मैंने फुल जो अपर पोर्शन है आँखों का वहाँ पे मैंने ब्राउन कलर देके ब्लेंड कर ली है। तो देखिए, और साइड पे थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन लगा दी है। डार्क ब्राउन या फिर डार्क पिंक या फिर डार्क ब्राउन, आप कोई भी सिमिलर शेड ले सकते हो। तो देखिए, और मिडिल पोर्शन पे थोड़ा सा ही मैंने जो एक गोल्डन शिमर है वो लगा दिया है। इनके साड़ी के हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये वाला लाइट मेकअप ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद और कुछ नहीं, जस्ट मस्कारा लगा ली है। मस्कारा ऐसे करके लगाती हूँ कि ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, या फिर जो आई लैशेज में प्रॉब्लम्स आती है वो ना हो, तो ऐसे मैंने खींच के लगाया है। तो देखिए, एंड देन मैं चार्मिसिक का पेंसिल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। जस्ट अपर पोर्शन पे आईलाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि इनके डिमांड था कि उनके आँखों के नीचे कोई काजल नहीं लगाना है। तो वैसे तो कुछ नहीं था, काजल लगाने से मुझे लगता था कि अच्छा ही लगेगा, लेकिन इनके डिमांड थे तो मुझे वही पूरा करना पड़ा। तो देखिए, मैंने छोटा सा एकदम पतला करके ये जो काजल है वो मैंने लगा दिया है।
उसके बाद आईब्रोज की बारी है। आईब्रोज के लिए मैं लेती हूँ PSC का आईब्रो प्रोमेट। इनका आईब्रोज ऑलरेडी थ्रेडेड थे और बहुत अच्छे शेप में था। इनका आईब्रोज देखिए आप कितना सुंदर शेप में, एकदम राउंड वाला शेप जो है वही है। तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो बहुत जल्दी सेट हो गया था आईब्रोज। और मुझे बहुत जल्द काम करना पड़ रहा था क्योंकि इनके जो घर में 6 पर्संस का मेकअप करना था मुझे, और एक लोग एक्स्ट्रा भी आ गए थे, मतलब टोटल मिला के 7 लोगों का मुझे मेकअप करना पड़ रहा। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं मेकअप कर रही थी। ये जस्ट 15 मिनट्स वाला लुक है, 15 मिनट्स में इनका मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का, तो लैशेस भी मैंने लगा दिया है। वहाँ पे वीडियो करने का टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने लैशेस का वीडियो नहीं बना पाई। तो थोड़ा सा हंसनों को बोला था ताकि मुझे हाइलाइटर लगाने में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद सेटिंग स्प्रे मैक का लगा रही हूँ मैं, मैक सेटिंग स्प्रे, इल्यूमिनेटिंग सेटिंग स्प्रे। तो देखिए ये जो है इनका लुक कंप्लीट हो चुकी है और कितना अच्छा भी लग रही है। इनके फेस मेकअप वो बैठ चुकी है। उसके बाद लिपस्टिक्स के बारे में, लिपस्टिक्स मैंने उनके जो साड़ी के हिसाब से वो वाला शेड ही मैंने दिया है। और एक बिंदी पिंते के बिना तो साड़ी वाला लुक कंप्लीट ही नहीं होता है। और उसके बाद हेयर स्टाइल्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं जिनका वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो ये देखिए ये है उनका फाइनल वाला लुक। ये बहुत खुश थी सच के, इनको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जैसे भी मैंने इनको सजाया। तो देखिए ये है पार्टी मेकअप, सॉफ्ट वाला लेकिन गॉर्जियस वाला मेकअप। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और फ्लावर्स लगाने के बाद तो कुछ ही शान लग गई इनके चेहरे पे। तो ये है उनका फाइनल लुक, आपको बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मेरा चैनल नया है। आप लोगों की सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरत है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।